हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्ट रूम में। तो इससे पहले हम लोग 100 क्वेश्चंस देख चुके हैं, आज देखेंगे हम लोग 101 से आगे। हीरा क्या है? हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक को कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो याद रखना, अमोनिया। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो आपको बता देना है, सोडियम। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा चार, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो आपको याद रखना है, जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा पांचवा, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो यह है आपका न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग छठवे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ये है आपका न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा सात, परमाणु विद्युत क्या होते हैं? परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको बता देना है, थॉमसन। किसने की थी? थॉमसन ने। बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड साहब ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं दसवें क्वेश्चन की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग ग्यारहवा क्वेश्चन है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो ये थे आपके रदरफोर्ड साहब। कौन थे? रदरफोर्ड साहब। बी ऑप्शन सही होगा हमारा। बात करते हैं बारहवें क्वेश्चन की, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, ये हैं आपके बॉस। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं तेरहवें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो याद रखना, हाइड्रोजन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा चौदह, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये थे आपके डी ब्रोगली। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं पंद्रहवें क्वेश्चन की, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। पंद्रह में ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा सोलह, क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो ये आपका परमाणु। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा सत्रह, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? परमाणु भार पर। सत्रह में क्या होगा? सॉरी, सत्रह में आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक
संरचना पर, किस पर? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर इसकी। 17 में ए है, 17 में ए है। यहाँ बता दें आप लोगों को कि अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर मुझसे देने में गलती हो जाती है या मैं गलत आंसर बताता हूँ तो उसे सही करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिएगा, ठीक है, जिससे दूसरे को सही आंसर पता चले। बात करते हैं 18वीं क्वेश्चन की। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 19। किन किरणों के विकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो आपको बता देना है अल्फा कण। डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड साहब ने। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 21। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा इसमें। बात करते हैं हम लोग 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? एक थे आपके जॉन डाल्टन। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन की। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो याद रखना है 8। कितने? 8। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 24। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 25। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो याद रखना न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 26। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 27। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो ये थे अल्फा कण। क्या थे? अल्फा कण। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 28। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 29। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 30। निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं किया जा सकता है? फोटोन को। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 31। क्या है? रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये थी आपके हेनरी बेक्वेरल। हेनरी बेक्वेरल ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 32। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 33। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है क्यूरी। बी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन है हमारा 34। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी?
तो ये थी आपकी रदरफोर्ड साहब, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 35, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज आपकी फैराडे ने की थी। क्वेश्चन 36, गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड साहब ने की थी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? बीटा किरण, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, बीटा किरण। क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो याद रखना है बीटा किरण में, डी ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन है 39, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो ऋणात्मक, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? तो याद रखना है आपको गामा किरण की, सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 41वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो याद रखना गामा किरण की, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 42, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 43, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे आपके ओटो हान, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 44, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखना है विखंडन, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 45, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 46, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो याद रखना जीवाश्म, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 47, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3, बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? तो याद रखना है आपको पोलोनियम में, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 49, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो यह है आपके बीटा किरण, 49 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 50, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुर्फलकीय होती है? तो याद रखना है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं होते? तो आपको बता देना है मेथेन में नहीं होते, 51 में आपका बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है हमारा 52, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण।
बात करते हैं 53 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकर्ण। क्वेश्चन है हमारा 54। पोलोनियम के समस्थानकों की संख्या होती है, तो याद रखना आपको 27 होती है। कितनी होती है? 27। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 55। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो आपको याद रखना है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा 56। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 57 क्वेश्चन। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 58। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन है 59। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 60। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन। डी ऑप्शन होगा, ठीक है, सही है 61 में। क्वेश्चन है हमारा 62। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 63। अम्ल और क्षारियों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण। 63 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 64। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। 64 में आपका सी है। बात करते हैं 65वें क्वेश्चन की। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर या पीएच मान क्या होता है? तो आपको याद रखना है 7.35 से 7.45 तक के बीच हो सकता है, ठीक है। अगर कहीं 7.4 दिया है तो उसे भी टिक लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 7.35 से 7.45 के बीच आ जाता है। उसके ब्लड पर निर्भर करता है, ठीक है, पीएच मान हमेशा उसके ब्लड, हर व्यक्ति के ब्लड पर निर्भर करता है, खून पर। क्वेश्चन है हमारा 66। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? इथियोपी के बेंडिस। बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका 67। किस तत्व को रसायन में आवार तत्व की संज्ञा दी गई है? तो याद रखना हाइड्रोजन को। क्या होगा 67 में? सी। क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित में कौन अधातु नहीं है? तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम नहीं है। क्या होगा 68 में? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 69।
पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित में कौन एक परमाणविक गैस है? हीलियम। 70 में आपका बी। इकहत्तर। निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? पानी को। 71 में आपका ए। क्वेश्चन है 72। निम्न पदार्थों को में से कौन केवल एक ही तत्व से बना होता है? तो आपको याद रखना है हीरा। 72 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है आपका 73। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 74। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? क्लोरीन। 74 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। क्या है? हीरा। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 76 सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है? ये है आपका कांच। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 77। निम्नलिखित में से कौन हरित ग्रह गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। डी ऑप्शन होगा इसमें। 77 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 78। फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 79। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो ये होता है आपका 200 मिलीग्राम का। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 80। अधातु के ऑक्साइड फुरया होते हैं, क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। क्वेश्चन है हमारा 81। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं 82 क्वेश्चन। हंसाने वाली गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 83। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। ए ऑप्शन सही है। 84। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 85। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। 85 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा 86। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बी मंदक के रूप में। बी मंदक के रूप में। ए सॉरी बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 87वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर
द्रव में बदल जाती है, तो ये है आपकी हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 88। क्वेश्चन है 88। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। क्या होगा? 88 में आपका बी होगा। बात करते हैं 89 क्वेश्चन। वी संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। क्या कहते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन। डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 90 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखना है आपको हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो 90 में क्या होगा आपका? सी। 90 में आपका सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 91। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। क्या है 91 में? बी। क्वेश्चन है हमारा 52। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 94 क्वेश्चन की। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? ये है आपकी हीलियम। क्या है? हीलियम। बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 95। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपर रूप। सी ऑप्शन सही है, एक कार्बन की अपर रूप है। क्वेश्चन है हमारा 96। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म की। 96 में आपका सी है। क्वेश्चन है 97। दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? लाल फास्फोरस। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 98। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 99। हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज आपकी लोकेयर ने की थी। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 200। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है आपकी जीनॉन। क्या है 200 क्वेश्चन में? ए ऑप्शन सही है। तो चलिए, ये थे आपके 200 क्वेश्चन। तक आगे हम लोग 201 से आगे देखेंगे। ठीक है।